हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का है, लेसन है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो इसमें क्या दिया है वो हम समझते हैं। ये एक मैच बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच बॉक्स यानी माचिस के डिबिया, आपने देखी होगी, उसके बारे में बताया है। उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है। तो हम समझते हैं कि ये क्या है। जैसे ये मैच बॉक्स है तो ये उसका लेंथ होगा, लंबाई, ठीक है। ये ब्रेथ मतलब चौड़ाई है और ये उसकी हाइट है, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन इसमें दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम पता करना है। अब उन्होंने क्या बोला है, ऐसे ही सच बॉक्सेस, ठीक है। सच बॉक्सेस कितने लेने हैं, 12 बॉक्सेस लेना है और उसे एक बिगर बॉक्स में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये एक मैच बॉक्स का आपको वॉल्यूम पता चलेगा और उसको 12 से मल्टीप्लाई करने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यही सारे 12 बॉक्सेस एक बिगर बॉक्स में अरेंज करना है। तो उसके बाद उसका वॉल्यूम भी हमें पता चल जाएगा, जो कि बिगर बॉक्स में रखे गए हैं, ठीक है। तो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला विल बी वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का लेंगे। सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, वैल्यू पुटिंग कर दिया है। सेंटीमीटर 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 3 टाइम्स था, सो यू विल बी राइटिंग द यूनिट एज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 25 से अगर मल्टीप्लाई करते तो आंसर 100 आता है। और क्योंकि एक नंबर के पहले डेसिमल है तो वो डेसिमल हम यहाँ पुट अप करते हैं। आप चाहे तो इसे 10 भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हम इसे हटा देते हैं, वो आपको मैंने डेसिमल शो करने के लिए बताया था कि डेसिमल कहाँ गया है। फाइनल विल बी 1.5 से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा एंड आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम पता चला है। तो अब ये एक का पता करने के बाद हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक बिगर बॉक्स में हमें 12 ऐसे के ऐसे ही मैच बॉक्सेस अरेंज करने हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, मतलब ऐसे ही बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर क्यूब, सो दैट विल बी कमिंग एज 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका निकला है, बिगर बॉक्स का, जिसमें ऐसे ऐसे डायमेंशन के 12 बॉक्सेस रखे गए थे। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, आप इसे देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता। बाय बाय, टेक केयर।